हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं केक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 पैकेट गुड्डे। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे केक को गुड्डे बिस्किट से। तो 2 पैकेट ले लिए हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, 10-10 रुपीज़ ईच। तो इसको अब हम क्रश कर लेंगे और इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये देखिए, पाउडर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। साथ ही लिया है 1 चम्मच कोको पाउडर, इसको थोड़ा सा ब्राउनिश कलर देने के लिए। और 1 कप मैंने लिया है दूध, उस दूध से हम इसको बैटर को तैयार करेंगे। 1 कप दूध लिया है मैंने, उसी में मेरा ये पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे, जो बैटर है हमें बिल्कुल रनी नहीं चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके डालिएगा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो केक है, हम बनाएंगे इसको ना तो किसी मोल्ड में, ना ही अवन में, ना ही कढ़ाई में। आज इसे हम डायरेक्ट बनाएंगे पैन में, वो भी सॉस पैन में। तो आप देखते रहिएगा। इसमें थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया है, मुझे बैटर गाढ़ा लग रहा था। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो केक है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपली केक बनाया है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ड्राई फ्रूट या डेकोरेशन पसंद नहीं आती है, इसी वजह से मैंने ये जो केक बनाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, बैटर मेरा रेडी हो गया है, रनी नहीं है और रिबन फॉर्म में भी है। देखिए, अब हम इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा। और इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच वेनेगर, वाइट वाला वेनेगर होता ना, बस वही। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो केक है, बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आप बनाएंगे तो कोई कह नहीं सकता कि आपने ये गुड्डे बिस्किट से बनाया। और मात्र 20 रुपीज़ में बन के तैयार हो जाएगा डिलीशियस केक। तो एक बार तो ज़रूर बना के देखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये देखिए, हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे डायरेक्ट हम सॉस पैन में बनाएंगे। तो सॉस पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और इसके अंदर अब हम जो हमारा बैटर तैयार किया है हमने, वो पोर कर देंगे। ये देखिए, मैंने ग्रीस कर दिया है पैन को, और जो बैटर है इसको थोड़ा सा एक बार और मिक्स करके हम इसके अंदर पोर कर देंगे। आप देख रहे होंगे कैसे रिबन की तरह ये मर्ज हो रहा है। और अब इसको एक बार टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर बबल्स ना आए। और गैस का फ्लेम कर देंगे लो टू मीडियम, और इसको कुक होने देंगे 20-25 मिनट्स। इतने में हमारा केक हो जाएगा। तो आफ्टर 25 मिनट्स हम चेक कर लेते हैं। एक बार देखिए, लग तो रहा है केक हो गया है, एक बार नाइफ़ से चेक कर लेते हैं। तो नाइफ इसके अंदर हम डाल के देखते हैं। सेंटर से ही चेक करिएगा जब भी आप चेक करें केक को, क्योंकि साइड से तो कुक हो जाता है बट सेंटर से रह जाता है कई बार। तो नाइफ देखिए, हमारा क्लियर निकला है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो गया है, देखिए इसने साइड भी छोड़ दिए हैं। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। कितना ये स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है देखिए, और बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में भी। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, देखिए कितना ये स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो इसके लिए मेरे पास चॉकलेट गनाश है, और इसके अंदर मैंने थोड़े से चॉको चिप डाल दिए हैं, और ये हम सारे में इसके फैला देंगे और अच्छे से चारों एजेस को हम कवर कर देंगे इसे। ये देखिए, कितना यम्मी और डिलीशियस केक लग रहा है ये। तो एक बार तो ज़रूर ट्राई बनता है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी हम इसके ऊपर डाल दे रहे हैं, ये देखिए। और अब इसको थोड़ा सा और लुक देने के लिए इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मेरे पर आइसिंग शुगर है, ये स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है ये, देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है केक। और जैसे जैसे ये आइसिंग शुगर इसके साथ मर्ज होगा तो अच्छी सी ये कोटिंग ले लेगा, बहुत ही बढ़िया लगता है फिर। तो रेडी है हमारा केक। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।
बाय बाय, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।